हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम का रिव्यू देंगे और ये हम लिए हैं फ्लिपकार्ट से और इसका प्राइस है 570 के अंदर आपको मिल जाएगा। ये ऑक्सी ग्लो हर्बल का है, ये देखिए ऑक्सी ग्लो, ये पाला है और ये है दूसरा, ये दो है और ये काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा इसमें, इतना बड़ा ये दो बार हो जाएगा और छोटा बाल होगा तो तीन बार हो जाएगा। काफ़ी बड़ा ये देखिए, इतना बड़ा है, 570 में काफ़ी मतलब अच्छा प्राइस में आप ये मिल रहा है हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। इसको मतलब बहुत ही अच्छा है, सैलून में तो बापरे इसको कराने में 4000-5000 खर्चा पड़ता है, तो उससे तो कम ही प्राइस है। अच्छा है, 570 के अंदर आपका हेयर स्ट्रेट हो, जिसको शौक है हेयर स्ट्रेट करने का तो इसको यूज़ कर सकता है, काफ़ी कम प्राइस में मिल जा रहा है, घर पे ही अच्छे से कर लिया जाएगा। जिसको अच्छा लगता है हेयर स्ट्रेट करना है तो घर में 4-5 हज़ार खर्चा नहीं करके ये 570 में ही बाल को स्ट्रेट कर लेगा। तो इसको लगाना बहुत आसान है, तो इसको लगाते हैं, देखते स्ट्रेट होता है या नहीं होता। ये ऑक्सी ग्लो का, ऑक्सी ग्लो हर्बल। फ्रेंड्स, पहले से हम स्ट्रेटनिंग करा चुके थे तो अभी जो नया बाल निकला है वो मेरा कर्ली निकला हुआ है, तो आज हम उसको ही स्ट्रेट करेंगे। तो पहले तो अच्छे से आपको बाल वॉश करना है शैम्पू से, उसके बाद आपको हेयर ड्राई होगा तो उसे हेयर ड्राई कर लीजिएगा अच्छे से, मतलब पूरी तरह से हेयर ड्राई ना, हल्का गीला होना चाहिए। और हेयर ड्राई करने के बाद आपको मतलब स्ट्रेट कर देना होगा, आपका पास स्ट्रेटनर होगा तो, जिसे जो क्रीम होगा उसको लगाने में आपको सुविधा होगा। अच्छे से हेयर ड्राई, हल्का सा जो भी गीला होगा, पानी टपके नहीं, इस तरह से आपको बाल को अच्छे से, कंघी से बाल को अच्छे से ये कर लेना होगा। उसके बाद आपको स्ट्रेट से अच्छे से स्ट्रेट करना, उससे जो भी क्रीम लगाने में बहुत अच्छा होता है, ऐसे कर्ली रहेगा तो क्रीम लगा नहीं पाएंगे उसको। से आप क्लिप लगा लिया, आपके पास क्लिप होगा तो क्लिप लगा लीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो क्लेचर लगा लिए थे। तो उसके बाद छोटा छोटा सेक्शन लेकर उसके बाद आपको इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। फ्रेंड्स देखिए, पूरा स्ट्रेट कर लिया गया है, तो उसके बाद आप क्रीम के ऊपर ही 1-2 लिखा रहा था तो 1 ले लीजिएगा, आपका मतलब हेयर का जितना हेयर होगा उसके हिसाब से आप क्रीम ले लीजिएगा। इतना सारा क्रीम है कि 3 बार हो जाएगा तो ले लीजिएगा। आपके पास ग्लव्स होगा तो ग्लव्स ये कर लीजिएगा, मेरे पास ग्लव्स नहीं था तो हम हाथ से ही करेंगे। उसके बाद ये करके क्लिप लगा लीजिएगा अच्छे से, देखिए इस तरह से, मतलब जड़ में नहीं लगाना है, मतलब जड़ से थोड़ा सा दूर लगाना है तरह से, मतलब पीछे से लगाइएगा ना तो अच्छा रहेगा, सामने से ये पाले लगा लीजिएगा तो आँख में जाएगा, इसलिए पीछे से लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा बाल लेके लगाइएगा उसको, फिर फिंगर से पूरे अच्छे से मिला लीजिएगा। ये देखिए दो है, पहला बनाए थे, दूसरा हम नहीं बना पाए थे क्योंकि घर में गेस्ट आ गए थे तो किसी को मालूम नहीं कि हम वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए हम नहीं बना पाए थे। पहला जैसा करना था वैसे ही करना है, दूसरा भी इसको भी 20 मिनट तक लगा कर रखना है, वो स्ट्रेट करने के बाद 20 मिनट क्रीम को इसको भी लगाना है और 20 मिनट बाद इसको भी वॉश मतलब शैम्पू से धो लेना है और उसके बाद स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद आपको 3 दिन तक
गार्डर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, खुला रखना है। और उसके बाद 3 दिन बाद शैम्पू कर लेना बाल में। और हम 3 दिन बाद शैम्पू किए, शैम्पू करने के बाद ये देखिए मेरा बाल बिल्कुल भी कर्ली नहीं हुआ है, कर्ली हो रहा है, स्ट्रेट नहीं हुआ है, ये देखिए कर्ली का कर्ली रह गया है, मतलब क्रीम एकदम काम नहीं करता है। ये देखिए मेरा इतना जो बाल था स्ट्रेट था पहले से, तो लगाने के बाद ये भी मतलब ख़राब हो गया है, अच्छा नहीं हुआ। स्ट्रेट होने के बाद फिर से मतलब बहुत ही बेकार लग रहा है। ये देखिए किस तरह का बाल हो गया है, ये इस तरह से हो गया है, बहुत बड़ा रुई की तरह हो गया है बाल। लगाने के बाद बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं हुआ है बाल, ये देखिए एकदम कर्ली का कर्ली रह गया है। मतलब क्रीम हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और कम है इसका प्राइस कम है लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता है। ये देखिए देख रहे एकदम स्ट्रेट, 3 दिन बाद इसको वॉश किए तो इस तरह का हुआ है, स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ बाल, और ये हो गया मतलब जो भी स्ट्रेट था बेकार हो गया।